पेट्रोल बम इसी चीज तो है नहीं कि भाई रेडी में मूंगफली ने ठाके बगा दिया। तो खेड़ा खाप के प्रधान हमारे साथ में खटखट टोल पर भी अहम भूमिका रहे। प्रधान जी, जो न्यू मेवात में हिंदू मुस्लिम में दंग हो रहे हैं, तो आप किस नज़र देखो जो दंग हो रहे हैं, किसके द्वारा परिपलान है, या फिर जो दंग हो रहे हैं उसमें किसकी गलती मानो, बजरंग दल की गलती मानो आप, या फिर मुस्लिमों की गलती मानो? बिल्कुल बात सही कही आपने, जो मेवात में दंगे हो रहे हैं, फिलहाल दंगे होने का कोई कारण नहीं था। पहली गलती तो इन भाइयों की है जो यात्रा निकाल रहे थे। हम इस देश में प्रजातंत्र देश है, यू भारत, इस देश में हम ललकार नहीं सकते किसी को कि मैं तेरा दमाद आ रहा हूँ, मैं तेरा भैया आ रहा हूँ, मैं तेरा फलाना आ रहा हूँ। ये हमारी ललकार है, जो ये आवाज़ है ये बहुत ख़तरनाक है। लाठी का कहा भर जाता है लेकिन बोल का कहा नहीं भरता कभी कभी। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ललकार की, किसी परिवार में को जाना ये बहुत गलत बात है। लेकिन थोड़ा संयम हमारे वहाँ भाई रख देते, जो वहाँ के बसंदे हैं, भाई हैं, मुसलमान भाई हैं या हिंदू भाई हैं, कोई भी भाई है, वह संयम रखते। अरे यह बात देश के सामने जाती तो हार ही नहीं की होती, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई करके, जवाबी कार्रवाई में के है कानून हाथ में आ जाती है, बात मैंने कानून का हाथ में आ जाती है, प्रशासन का हाथ में आ जाती है। इब जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इब सरकार की मंशा तो थी दूसरी कि भाई यहाँ मेवात में नू में दंगा करवा दो, किसी भी हालत में करवा दो, पूरे देश में आग भड़क जाएगी और तो आसानी से देश ने लूट और अगला जो इलेक्शन है आसानी से जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनो, अमित शाह गृह मंत्री बनो और अमीर अंडानी अम्बानी बनो, मनसा तो थी इनकी या। लेकिन हमारे भाइयों ने बहुत सूझबूझ के, हरियाणा के ज़्यादातर हरियाणा के लोगों ने, सभी बिरादरी के भाइयों ने, मैं एक बिरादरी का क्यों नाम लूँ, जाट 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 हो रही है कि जाट क्यों, भाई सभी बिरादरियों का रुख और एकता एक ही है, भाई दंगे ना हो, किसने दंगे कराए ये साफ साफ ऊपर आ रही है बात। ललकार के जाना, जे यात्रा को इजाज़त देनी थी तो सुरक्षा करनी थी यात्रा की, गोली कहाँ से चली, क्यों चली, किस बात पर गोली चली, पुलिस क्या कर रही थी, ये तो है सारा मुद्दा प्रशासन में कानून है। लेकिन आपका कहने से हमें एक बात कहना चाहते, पूरा देश अब इस बात को समझ गया है कि कोई भी हरकत होगी जात बिरादरी की, धर्म मज़हब की, तो उसी टाइम देश पकड़ जाएगा और अपनी जगह रहेगा। लेकिन ईब भी हम चाहते हैं कि भाई हमारा हरियाणा में 2024 में इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले हिंदू मुस्लिम भाई हैं। रही बात एक और आपका चैनल से एक और कहाँ बिना पूछें कि भाई ये अटैक क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं। आप 1947 की आप बात याद करिए, जो आज सत्ता में बैठे लोग जो राज कर रहे हैं देश पर, 1947 में ये नहीं थे। आप सर्वे करो ना, आप उनसे पूछो, आप बीजेपी वाले से पूछो, 1947 में जब जलियांवाला बाग बनाया अंग्रेज़ों ने भारत में आके, खून के कुएं भरे, हजारों लाखों आदमी मारे, आप कहाँ थे? तब ये मुसलमान भाई देश के साथ थे, सब कट्ठे थे। मुसलमानों का इतिहास है और आरएसएस बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है आज़ादी में। लेकिन प्रधान जी, जींद में ज्ञापन दिया गया था, यात्रा निकाली गई थी, सीधे नारे लगाए थे कि हिंदू हिंदुस्तान का, मुल्ला पाकिस्तान का, तो क्या मानो अब जो मुस्लिम है वो सारे पाकिस्तान जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। लेकिन तो यहाँ पर जींद में जो ज्ञापन दिया था, यहाँ पर नारे लगाए गए थे कि जिस दिन मुल्ले काटे जाएंगे रसगुल्ले बांटे जाएंगे। नहीं नहीं, ये देखिए वो भी बीजेपी के लोग, आरएसएस और बजरंग दल के, क्यों बीजेपी के लोग। अभी जो देश में दंगा करेगा, देश में कोई भी बात करेगा, वो बीजेपी का करेगा और लोग नहीं कर दे। उन भैया ने ये तो पूछो, भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, आज़ादी से पहले तो एक था, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यारे हुए हैं, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था, वहीं भी न्यारे हुए हैं,
बड़े भाई हैं, बड़े परिवार न्यारे तो होंगे, लेकिन इनका कल्चर तो देखो, इनका रहन सहन देखो। मूले जाट बोलें उन्हें मुसलमान भी कहते हैं, मूले जाट भी कहते हैं, लेकिन जाट और मुसलमान सिख ये तो तकरीबन हैं, सारे हैं, मतलब भारत में सारे हैं। जात तो दो हैं, नर और नारी देखे जाए तो, भाई पुरुष और महिला नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। या बीजेपी ने कड़ी इसी ठहेगी, जात बिरादरी में फायदा ठहेगी और या राज लेगी, ये तो भाई जात बिरादरी ने सोचना होगा। रही बात मुद्दे की नूह की, ये भी उन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खपोले से भी कि ऐसा बयान ना, किसानों से भी, खाप प्रधानों से भी, किसान संगठनों से भी कि आप भी ऐसा भड़काओ बयान ना दें जिसे मुसलमानों का ठेस पहुँचे या उन दूसरे भाइयों ठेस पहुँचे। खाप पंचायतों का है शांति का काम, दोनों पक्षों का सुनना काम। गलती करी ये बजरंग दलाले देव मानेसर के नाम, उसका मोनू मानेसर, अरे को बिट्टू बजरंगी, उनने बचपना बरत्या, उन्हें ये नहीं कहना था भाई तारे दमाद आ रहे हैं या तारे बटे हुए आ रहे, यह बात नहीं कहनी थी। उन्हें ये कहना था भाई तारे भाई आ रहे हैं, मारियो से छोड़ियो, शांति धाम आवेंगे। कुछ नहीं कहते मुसलमान भाई, पहले भी यात्रा वहाँ से निकली है। प्रधान जी, खाप और किसान संगठन भी सामने आ रहे, आप किसकी गलती मानो, किसके साथ में खड़े हो आप इससे? देखिए गलती तो दम मानी जाती है नहीं, जब छान पीन हो। अभी तक तो यही नहीं मालूम भाई गलती कितनी किसकी है, प्रशासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। अगर मान ले नू में कोई मेवात के भाई या उरे के भाई को बड़ी पंचायत करें, इतनी तो एक तरफी पंचायत या संगठन एक तरफी बोल रहे हैं, कोई उस तरफ बोल पड़ते हैं, कोई उस तरफ बोल पड़ते हैं। खाप पंचायत का काम है दोनों पक्षों की सुने और दोनों पक्षों की सुन के फिर फैसला ले। लेकिन खाप पंचायत अब क्यों नहीं देगी सरकार? खाप पंचायत तो इन्हें तोड़ दी 2014 में, तोड़ दी खाप पंचायत तो आएंगे तोड़ी इन्हें, क्यों खाप पे पंचायत डर था इनके कि भाई यह एक संगठन ऐसा है खाप पंचायत जो निर्णय न्याय करें, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले तकरीबन या लो लावा है, क्यों कई बार भारी पड़ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट पर तो, लेकिन भाईचारा का ये सुप्रीम कोर्ट है। खाप इसके बारे में सोचेंगी, मारा एक मतलब है भी कोई भी भाई ठीक है, वो हो गया अलग अलग बेरा पार्टी है, उन्हें गलत बोल दिया, उन्हें अटैक कर दिया, सरकार ने क्यों नहीं सुरक्षा करी उड़े? जब सरकार चप्पा चप्पा पुलिस रखती है, सब ने बेरा पर उन्हें न्यू कह दिया नहीं आओगे, उन्हें कह दिया तारे दमान ओढ़ेगा, तो सरकार ने बेरा था सारा कि रोड़ा होगा। पहले ही सरकार ने पूरा प्रबंध कर दिया, या तो यात्रा रद्द भी हो है भाई, ये विष्णु देवी की रद्द होने लग रही, उत्तराखंड की रद्द होने लग रही, मानेसर की रद्द होने लग रही, यात्रा रद्द भी तो है, खून खराबे जरूरी करवाने के लिए माहौल देख कर प्रशासन ने माहौल देख के करना चाहिए था। ये भी जगह जगह कह दें भाई रद्द करो, भाई बाढ़ आएगी रद्द करो, या बाढ़ते बुंदा काम हो गया, आदमी मर गए पंच से, भाईचारा हमारा खराब हो गया, और ये बैठे बैठे देखे हैं उड़े, और हिंदू मुसलमान में के पर गए, उनके मरे मारे मरे मरे तो मारे, बीजेपी के तो लोग नहीं मरे उनमें, सरकार के तो लोग नहीं मरे उनमें, बड़े आदमी तो नहीं मरे, मरे तो मारे छोट से, चाहे मुसलमान ना के हों चाहे हिंदुआ के हों, मरे तो मारे हैं। प्रधान जी, धार्मिक यात्रा में जो ऐसे तलवार देखने को मिली है, हथियार देखने को मिले हैं, क्या धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर जाने चाहिए? नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। धार्मिक यात्रा में तो बिल्कुल कपड़े कपड़े हाथ में हैं, जो जिस संगठन का है, जो खुदा का नाम ले खुदा का लो भाई, राम का नाम राम का, रब का नाम रब का लो, और धार्मिक यात्रा में पंचायत में ये हथियारा के काम भाई, तलवारा के काम भाई, ये तो एक मेरे ख्याल में प्लान था इनका, प्लानिंग था और तैयारी पर थे, षड्यंत्र था सरकार का। जब तलवार दिख गई सरकार ने, सरकार के सीआईडी के लोग ये बापा बात करे है नहीं, ये भी जारी हैं, सरकार ने बेरा था हाथ में तलवार तो अटैक होगा, न्यूनत होगा, न्यूनत होगा, हमारा खून खराबे होंगे, तो सरकार ने रद्द कर देनी चाहिए थी, वैसे कोई बुरा मान लो, या फिर डिवाइड रास्ता दूसरा बदल देना चाहिए था।
प्रधान जी उनकी तरफ से बताया कि पेट्रोल बम जो बजरंग दल का संगठन उनकी तरफ फेंके गए हैं, जब उनके पास पेट्रोल बम तो क्या प्रशासन ने सीआईडी ने पता नहीं था कि इस तरह की तैयारी वो भी तैयारी करने लग रहे हैं। पेट्रोल बम इसी चीज़ तो है नहीं कि भाई रेडी में मूँगफली ने ठा के बगा दिया, मतलब तैयारी थी वो तो पूरी तैयारी में होगी। पेट्रोल बम नहीं तो एकदम तो बना को नहीं, पहले तैयारी करके सब कुछ तैयारी करके फिर पेट्रोल बम वहाँ बगाए। ये तो मेरे ख्याल में भाई सोची समझी चाल है और सरकार का इसमें बिल्कुल हम सरकार को दोषी मानते हैं। क्यों नहीं रक्षा कर सकते, इस्तीफा दे दो, मेरा इन पर राज नहीं होता तो खून खराबे ना कराओ देश में, जरियाला बाग ना कराओ, बार बार देश रोड पे बिठा दिया, इस्तीफा दे दो ये क्यों खून खराबे क्यों कराओ, राज नहीं होता, इस्तीफा दे दो, दूसरा भाई कराएगा कुछ शांति वाला देश में बसाओगा। पहले भी तो 75 साल हो गए चल रहा था, 14वां प्रधानमंत्री है यू भाई, 15वां कोई भी प्रधानमंत्री ने इसे आग नहीं लाई देश में जी, जो इस भाई ने लाई दी गल लागनी है इसे होगी भाई ला दूंगा तो लालच मोंगे खैर। तो भाई महाराज यू कहना है हम तो इस देश में शांति चाहवा हैं और खा पंचायत हाथ में को डोरा होगी इसको संपूर्ण शांति से नमेड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े फैसले कत्ल भी हुए हैं, खून भी हुए हैं, अरे भाई सरकार का हाथ से भी इसमें सरकार का हाथ लंबे हैं भाई, कानून के हाथ लंबे हैं, पहला करवाए हैं फिर समझो तई तरफ चलना है, फिर वाह वाई ओ वाह सरकार ने वाई वाई कर दिया भाई, हम इस बात से दूर हैं। प्रधान जी मुसलमान कुछ घर भी छोड़ के चले गए हैं और मकान भी तोड़े गए हैं, कितना सही मानो आप जो सरकार कार्रवाई कर रही है? भाई मुसलमान भाइयों को तो एक कहना चाहूँ, हाँ भाई आपने ना तो कर छोड़ने की जरूरत, खतरा बन रहा जीवन की जो डर के मारे बिल्कुल नहीं, ये खतरा बनाया गया है, आप बिल्कुल अपनी जगह जमे रहो, आपने कोई कुछ नहीं कहेगा, पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है, आपका उतना ही हक है जितने भाई हिंदू बोल रहे हैं भाई, हम हिंदू हाँ, हम बजरंग दल हाँ, फलाने दल हाँ, आप इनसे भी ज़्यादा हक है आपका इस देश में, लेकिन शांति से रहिए आप, आपने कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा देश में, आप सर्वे कर लो गामा में 80% देश गांव में बसा ही हो, गामा में हर गांव में मुसलमान भाई हैं, सर्वे करो एक भाई ने कोई कह दे तो कुछ, इनके दोहरा बैठा पूरा देश, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर क्यों छोड़ रहे हैं भाई क्यों छोड़ रहे हैं, अगर कोई कहे तो नहीं रहा उन्हें, ठीक है उड़ा एक जगह कूड़े में दंगा होया है करवाया है, ये 10 घर भाई मुसलमान ही ज़्यादा होंगे जहाँ थोड़े दंगा करवा दिया, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है घर छोड़ने की, आप शांति तो रहिए, भारत भारत क्यों आपका है भारत है, आप भारत हो, आप भारत समझ के रह रहे, एच एम बोलना है हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी मुसलमान आप एच एम हो, आपका पूरा हक देश में रहेगा। प्रधान जी आंसी के अंदर बजरंग दल के द्वारा एक यात्रा निकली थी, उसमें अनाउंसमेंट करी गई थी कि 2 दिन में आंसी खाली कर दो नहीं आप खुद जिम्मेवार होंगे, इस तरह चेतावनी भी दी गई थी, किसने दी गई थी? बजरंग दल के द्वारा जो यात्रा निकाल रहे थे उसी टाइम सरकार को क्यों नहीं वो गिरफ्तार क्यों नहीं करे भाई सरकार ने, जब किसी भाई को वार्निंग देंगे वह तड़के तन मारना आवांगे, देश उनका भी है, हाँ देश उनका भी है, गांव उनके भी हैं, घर उनके भी, उसी टाइम सरकार ने चुग लेनी थी, या दिन रात बाजी भरे कुया किसानान ठाले है, कुया मजदूरान ठाले है, कुया किसी ने ठाले है, 40,000 मुकदमे लादर हरियाणा में किसान मजदूरों पर ला दिए इसने, जो भाई गलत बोला सरकार ने उसी पर एक्शन लेना चाहिए था, फिर सरकार की गलती आ है भाई घर छोड़ो क्या वो सरकार बोल रही फिर वह या फिर सरकार बोल रही कौन किस भाई ने कहा भाई घर छोड़ो के भाई क्यों ताकत उनकी के हैं भाई उनका वो कौन है घर छुटाने वाले किसी भाई का एक घर है इस भारत में उतना है ऐसा उसका है 100 घर हैं उतना ऐसा उसका भाई इस भारत में फद्दू होंगे इतना हार होगी ऐसे ऐसे काम करने वाले की देश में हार होगी। प्रधान जी मोनू मानेसर जिसकी वीडियो वायरल हुई थी उसके ऊपर जो 5-6 महीने पहले भिवानी के अंदर लिया करना 2 मुस्लिम लड़कियों को गाड़ी में जिंदा चला गया था उसका आरोप था, इसीलिए वो पहले ही बोल रहे थे कि मेवात में मोनू मानेसर को नहीं घुसने देंगे, हाँ। उनकी वीडियो है उसी तरह विवाद हो अगर मोनू मानेसर या वीडियो नहीं डालता या पुलिस उसने गिरफ्तार कर ली तो इसका विवाद नहीं बढ़ता, जब 302 का आरोपी है वो पुलिस से फरार है फिर भी उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही क्यों नहीं पकड़ी क्यों नहीं इसको पीओ कराया
पुलिस किसानों को पीओ करी है, मजदूरों को पीओ करी है, उसको क्यों नहीं पीओ करे? और हादसा होने से पहले पहले गिरफ्तार क्यों नहीं करे उस भाई ने, ताकि ये विवाद ना फैले इस दुनिया में? पहले ही कर ये सारा भाई कुछ भी को बिला ठाडा मारा रोन नहीं दे। ई सरकार ठंडी हो रही है, कुछ भी करो। ये टेनी मिश्रा गोली मार रहा, सर मार रहा, यो ब्रजभूषण दोषी, कांडे पांडे कई दोषी मिले दोषी। हम तो एक बात कहें भाई, आपका चैनल पर भाजपा में तो चला गया, गंगा जी ना आया गया, भाजपा तो बाहर सारे दोषी। हाँ भ्रष्ट हो जी। तो प्रधान जी क्या मानो आप हिंदू राष्ट्र बना चाहिए, जो बजरंग दल लगातार नारे लबाजी करे कि हिंदू राष्ट्र बना चाहिए भारत? हिंदू नाम में शब्द को नहीं देश में, इन्हें बोलो ना गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, वो को नहीं हिंदू, हिंदू शब्द को नहीं। ये तो आर्य समाजों का देश था असलियत में, या वीरों का देश था, वीर भोगे बिशनरा। इस धरती पर तो वीरों का था, रहने का कायरों का नहीं था। जब अंग्रेज मुगल सब कुछ बजाए नहीं, ये धरती तो है या किसी जात बिरात की, ये हिंदू मुसलमान की धरती नहीं, ये तो जो हिंदुस्तान की मिट्टी की रक्षा करेगा उसी का देश है। तो प्रधान जी आप हिंदू हो? भाई हम तो हिंदुस्तानी हाँ, हूँ तो हिंदू कह ले और कि मैं कह ले हिंदुस्तानी हाँ, भारतवासी हैं, देशवासी हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं जानते आप? नहीं जानते भाई हिंदू राष्ट्र में, फिर एक तरफा काम हो गया, काम क्यों कर लगा देश का? एक गांव है, एक गांव में छत्ती बिरादरी संधि होगी, एक आदमी खड़ा है इस देश में, ने बता दो हमने समारा है जरूरत को नहीं, हमने बाल में है जरूरत को नहीं, खातियाँ जरूरत को नहीं, गुजर लुहारा है जरूरत को नहीं, ब्राह्मणा जरूरत को नहीं, जाटा जरूरत को नहीं, खड़े के बता दो सब मिल के सब्जी बनती है भाई, तभी शरीर रोग का जाएगा। और आज़ादी में सारे शामिल थे, इसलिए हमने सबकी जरूरत है। धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद।